साइड में आता है ना। असलम स्टूडेंट्स, आपको आज मैं बेसिक स्टैटिस्टिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स स्टेप्स बताने जा रही हूँ, जो कि कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक की बुक लेते हैं, जैसे कि बुक है स्टैटिस्टिक की, तो इस बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर आता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर और ऑब्जर्व इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद आता है डेटा। डेटा है नंबर्स और मेजरमेंट्स दैट आर कलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन की, ये डेटा की होगी। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन ये थी कि कुछ भी, कोई भी चीज़ हम जो मेजर कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी सोच से, समझ से। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इस बॉटल में पानी जो है वो अबाउट कितने लीटर है, कितने लीटर की है ये बॉटल, ये बॉटल 0.5 लीटर की है, देख जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें इतना पानी मैंने पी लिया है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि इसमें 0.4 मैक्सिमम पानी होगा इस बॉटल में, थोड़ा पानी पी लेने के बाद। तो जो ऑब्जर्वेशन आप रफली ऑब्जर्व करते हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। डेटा, कोई भी डेटा, कुछ भी अगर आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि आप अपनी स्टडी बुक्स कलेक्ट करते हो, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डेफिनेशन, कुछ भी याद करते हो, वो आपका डेटा होता है। और इसमें भी जो डेटा बताया गया है वो नंबर्स एंड मेजरमेंट ऑफ दैट कलेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को जब हम कलेक्ट करते हैं नंबर करके, तो वो होती हैं। आगे भी इसकी बहुत से डेफिनेशन है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, सैंपल हो गया, पैरामीटर हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया। ये सब डेफिनेशन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसे नेक्स्ट पेज भी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पेज पर आ जाता है फर्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आ जाता है। फिर आता है क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा आर ऑब्जर्वेशन मेजर ऑन न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल पर किसी भी डेटा को अगर हम मेजर करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है। और इसी तरह क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा आर ऑब्जर्वेशन दैट आर नॉन न्यूमेरिकल, जो नॉन न्यूमेरिकल नहीं होते। जैसे ह्यूमन बीइंग क्वालिटेटिव, जैसे आईज कलर हो गया या हाइट हो गई, ह्यूमन्स की हाइट हो गई, तो वो हमारे ऊपर जो है वो क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में नहीं आता। क्वांटिटेटिव में जैसे हम जो है बॉटल्स को, बुक्स को अगर काउंट करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है। उसके बाद डेफिनेशन आती है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा किस टाइप का होता है? डेटा हूज पॉसिबल वैल्यू आर काउंटएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। जो डेटा काउंटएबल होता है उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। और कंटिन्यूस डेटा होता है, कंटिन्यूस हूज डेटा हूज पॉसिबल वैल्यू आर अनकाउंटएबल एंड विच मैनी एज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेबल डेटा और कंटिन्यूस डेटा इज कॉल्ड अनकाउंटेबल डेटा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम आसमान के सितारों को काउंट नहीं कर सकते, इंसान अपने बालों को काउंट नहीं कर सकता, बिकॉज इज अनकाउंटेबल। तो वो होता है कंटिन्यूस डेटा, और डिस्क्रीट होता है काउंटेबल डेटा। जैसे कि बुक्स हम काउंट कर सकते हैं, कितनी है मेरी बुक, इसके चैप्टर कितने हैं वो काउंट हो सकते हैं। जो काउंटेबल चीजें होती हैं वो डिस्क्रीट कहलाती हैं, और जो अनकाउंटेबल होती हैं वो कंटिन्यूस डेटा कहलाती हैं। इसी से रिलेटेड काफी डेफिनेशन है। आई जस्ट होप कि आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज पर आते हैं।
जैसे कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप ये एक्सरसाइज बुक की, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, इस तरह ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इन एग्जांपल्स को देखते हुए ही मैं जस्ट होप कि आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ पाती, क्योंकि वैसे तो ये बुक मेरी एक स्टूडेंट की है जिसने अपनी बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको खुद कुछ, आपको मैं सैंपल्स लिख कर बताऊँगी जिसको आप कीजिएगा। तो इस तरह मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मैंने लिखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फर्स्ट अमाउंट उसमें आती है, जैसे कि लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन बुक्स, बुक्स के ऊपर जो पैसे आपके चल रहे हैं वो क्वांटिटेटिव होंगे या क्वालिटेटिव होंगे। आई जस्ट होप कि आप मुझे आंसर बता सकते हैं, तो इसका आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव डेटा जो कि काउंटेबल हो, हम मनी को, उसने साफ कहा है कि अमाउंट जो स्पेंड की जा रही है, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है क्वांटिटेटिव। और उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर भी पैसों की ही बात की जा रही है, यहाँ पे मतलब पेमेंट ऑफ मोड, किसी भी मोड की, किसी भी चीज़ की पेमेंट को, पेमेंट आपने लगाई है तो ये हमारे पास उस पेमेंट का, पेमेंट की चीज़ बता रहा है, तो ये हमारे पास होगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। उसके बाद जेंडर, जैसे ह्यूमन बीन आ जाते हैं, अब ह्यूमन बीन में जेंडर्स एज एवरीबडी नोज के टू टाइप ऑफ जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा क्वालिटेटिव क्योंकि ह्यूमन बीन की बात आई है इसमें। और कलर ऑफ आइज, इंसानों के कलर्स की आइज हमारे पास कहलाएगी, अब जैसे कि डिफरेंट कलर की आइज होती हैं, ब्लैक होती हैं और ब्लू होती हैं, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे टू टाइप की कॉमन आइज आपको मिलेंगी, कॉमन आइज मैं कह रही हूँ, जो कि ब्लैक और ब्राउन होती हैं कॉमनली, तो ये हमारे पास कहलाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, तो ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसी तरह आगे अगर हम देखें तो आगे आता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें रिप्रेजेंटेटिवली कौन डिस्क्रीट को और डिस्क्रीट वैल्यूज को, डिस्क्रीट डेटा एंड विच रिप्रेजेंटेड द कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा को आपने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट्स आई नो मेरी राइटिंग काफ़ी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट आई जस्ट होप कि मैं वाइट बोर्ड ले लूँ और फिर वाइट बोर्ड पर आपको करवाऊँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट किया था हमने, जिसमें कि पूछा गया था, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ज़रूर आते होती हैं, तो इसमें डिस्क्रीट हमें वो कह रहा है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा हमने बताने, ठीक है, डिस्क्रीट की डेफिनेशन की जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि विच इज़ काउंटेबल डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट, और कंटिन्यूस डेटा विच इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा।
अब यहाँ पर है नंबर ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पूरा नंबर ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट सिटीज, मुख्तलिफ सिटीज में, डिफरेंट सिटीज में जो है डिफरेंट हाउसेस हैं, नंबर ऑफ हाउसेस हैं, ठीक है, विच इज काउंटेबल। और ये काउंटेबल होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा डिस्क्रीट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये डिस्क्रीट डेटा है हमारे पास। और द ईयरली इनकम ऑफ शॉपकीपर इच इज ऑल्सो काउंटेबल। तो कंटिन्यूस, अच्छा, नॉट काउंटेबल, क्योंकि जो ईयरली बेसिस पर शॉपकीपर कितने पैसे कमाता है हमें नहीं पता। हम नहीं इस चीज़ को समझ सकते कि वो 1 लाख अबाउट कमाता है या 2 लाख, क्योंकि वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी इनकम पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास कहलाएगा कंटिन्यूस डेटा, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा हमारे पास। उसके बाद है नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्लांट्स। हमें पता है कि फ्लावर्स कितने डिफरेंट, कितने टाइप के होते हैं और किन किन प्लांट से मिलता है, विच इज काउंटेबल। तो ये हमारे पास कहलाएगा डिस्क्रीट डेटा। इसी तरह अ लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ टाइम गारंटी कितनी होगी। हाँ, एक जो शॉप, अगर कहीं से खरीद किसी शॉप से अगर आप लेने जाओ, तो जो एनर्जी सेवर बल्ब आप खरीदोगे तो उसके ऊपर वो वारंटी 1 साल की लिख लेते हैं। या तो 1 साल के अंदर वो 1 साल तक चलता रहेगा या 1 साल के बाद नहीं चलेगा, बट वो उसकी लाइफ लिमिट जो है वो अबाउट 1 ईयर रखती हैं। हमें नहीं पता कि वो 1 साल से पहले या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो हमें इस चीज़ को हम स्पेसिफिकली नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास कहलाएगा कंटिन्यूस डेटा। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जैसे कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो पर काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसी तरह आगे चलते हैं।